तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एसपीएस गेमिंग जोन में। नो फेक न्यूज, नो फेक अपडेट्स, ओनली 100% रियल कंटेंट्स। तो दोस्तों, गेम के अंदर एक नया इवेंट आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट वगैरह आती है, तो उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे एक नया इवेंट आया हुआ। यहाँ पे देख सकते द प्लेटून लिखा जो, तो गाइस ये नया इवेंट आया हुआ है। तो गाइस ये इवेंट में क्या करना है और इसमें क्या मिलेगा, मैं सारा कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज यार वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही सिंपल इवेंट है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि इवेंट कैसे कंप्लीट करना है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब आपको जल्द से बताते हैं कि जो नया इवेंट आया था प्लेटून वाला, इसमें हमें क्या करना है और इसे कैसे कंप्लीट करना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा कि इवेंट यहाँ पर है, देख सकते हो द प्लेटून नाम से, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस जब आप नए इवेंट को ओपन करेंगे तो गाइस जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तो पहले दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस इस इवेंट को अगर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो रैंक है वो हीरोइक पर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका सीएस रैंक हीरोइक पे होगा तो भी चलेगा। अगर दोस्तों आपका बीआर रैंक होगा जो कि बरमुंडा वाला होता है, क्लासिक रैंक, ठीक है, अगर आपका वो भी हीरोइक पर होगा तो चलेगा, ठीक है। मतलब कि यार एक सीएस रैंक हो या फिर वो क्लासिक वाला, ठीक है, उन दोनों में से एक का हीरोइक पर होना जरूरी है, ठीक है। तो मेरा ये जो है बीआर रैंक है हीरोइक पर है, ठीक है, तो इसलिए मेरा इवेंट ओपन हो रहा है, ठीक है। तो पहले आपको ऐसा इंटरफेस दिखाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नीचे देखते हैं तीन तीन बंडल बने हैं, ठीक है। तो जो पहले दो बंडल है वो मेल और फीमेल का, जो कि यहाँ पे देखते हैं साइड पे बने हुए हैं, ठीक है। तो और दोस्तों जो तीसरा बंडल दिया वो दोस्तों कोई निंजा वाला बंडल था, ठीक है दोस्तों, जो भी था, ठीक है, तो वो हमें पहले से मिला है। बट दोस्तों ये जो तीन बंडल दिखाए जा रहे हैं ये हमें दोस्तों 7 दिन के लिए मिलेंगे, परमानेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बट दोस्तों आपको ये लेने कैसे वो आपको बता दो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं पे लिखा है अप्लाई टू बी ए मेंटर। तो गाइस ये वाली ऑप्शन आपके तभी आएगी जब दोस्तों आपका बीआर रैंक या फिर सीएस रैंक हीरोइक पर होगा, ठीक है। अगर आपका नहीं है हीरोइक पर तो आपके ये ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो तब आप इस इवेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बात करता है यार। इसलिए दोस्तों आपको हीरोइक पर जाना पड़ेगा इनमें से किसी भी रैंक में, ठीक है। तो तब आपको ये ऑप्शन दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो गाइस जैसा अभी आप इंटरफेस देख पा रहे, तो गाइस आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे तीन तरह के प्लस बने, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने बंदों को ऐड करना है, यानी कि दोस्तों अगर आपकी कोई भी टीममेट है, ठीक है, तो आपको उसको ऐड करना है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है डायनेमिक डुओ था, ठीक है। तो डायनेमिक डुओ में हमें क्या करते थे कि हमें एक बंदे को ऐड करना पड़ता था, ठीक है। तो एक बंदे को हम ऐड करते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता था, हम उसके साथ गेम प्ले करते थे। तो नीचे दिखती है जो बॉक्स बने, इसमें से हमें रिवार्ड मिलते थे, स्कोर वगैरह बनते थे, ठीक है। तो दिखते मेरा डायनेमिक डुओ कंप्लीट है। तो इसी तरह से दोस्तों द प्लेटून में भी यही है, आपको आपका स्क्वाड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो तीन बंदे ऐड करने पड़ेंगे, फिर आपको दोस्तों सभी को मिलकर गेम प्ले करना है, ठीक है। तो किसी भी मोड में गेम प्ले कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या होगा, आपको स्कोर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते साइड में बॉक्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 100 स्कोर बनाने, फिर 200, फिर 300, फिर 400। तो फिर आपको क्या करना, आपको अपने टीममेट के साथ प्ले करना, ठीक है, गेम प्ले करना, ठीक है। तो किसी भी मोड में करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको स्कोर मिलेंगे, और साइड में देख सकते हो अगर आप 100 स्कोर कंप्लीट कर देते तो आपको पहले बॉक्स में देख सकते हैं ये गोल्ड वगैरह मिलेगा। दूसरे बॉक्स में देख सकते हैं अगर आप 200 पॉइंट बना देंगे तो आपको गोल्ड वाउचर। तीसरे बॉक्स में देख सकते हैं अगर आप 3 स्कोर बना देंगे तो आपको वेपन वाउचर। और दोस्तों अगर आप 400 स्कोर बना देते हैं तो एंड में आपको डायमंड वाउचर मिलेगा। बस दोस्तों इतना ही रिवार्ड है, अभी तो फिलहाल इतना ही रिवार्ड मिला है। हो सकता है दोस्तों जैसे आप इसे कंप्लीट करें तो बाद में फ्री फायर फ्यूचर में और भी रिवार्ड इसमें डाल दे, चेंज कर दे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सिंपल दोस्तों यही है कि आपको बंदे को ऐड करना है। तो गाइस यहां पे जब आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहां पे दिखते आप अपने टीममेट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि आप उन्हीं बंदों को ऐड करना जिसके साथ आप खेलते हैं, रेगुलर खेलते हो, तो उन्हीं तीन बंदों को ऐड करना, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं जो M2 गेमर है, मैं इसको ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे दिखते मैं से रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, तो इसमें मैं करूंगा इसे कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। तो इसके पास रिक्वेस्ट चले जाएगी और जैसे ही दोस्तों ये मेरा मेंटर मतलब जो भी दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट उठा लेगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मैं दो बंदे और ऐड करूंगा, फिर दोस्तों मैं अपने स्क्वाड के साथ गेम प्ले करूंगा और मेरे स्कोर बनते जाएंगे। जैसे जैसे मैं 400 स्कोर बना लूंगा तो मुझे साइड वाले सारे रिवार्ड मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी की रिक्वेस्ट आएगी ना, अगर आपको वो कहेगा कि हमारी टीम में ऐड हो जाए, तो आपको ये छोटा सा मैसेज बुक दिख रहा है, आपको यहाँ पे दोस्तों रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल दिखते कोई रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ पे दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि आप उनकी टीम में भी ज्वाइन हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ही इवेंट है बस दोस्तों, और कुछ भी नहीं इस इवेंट में, सिंपल सा इवेंट है, ठीक है। मतलब आपको चल बस दोस्तों आपको क्या करना, आपको अपने टीममेट्स को ऐड करना, जो भी बंदे आपके साथ रेगुलर खेलते हो तो उनके साथ आपको खेलना और आपको स्कोर मिलेंगे और साइड वाले रिवार्ड मिल जाएंगे। और जैसे दोस्तों आपके सारे वाले रिवार्ड है ना, साइड वाले रिवार्ड जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो शुरू में जैसे मैंने आपको तीन बंडल दिखा ना, वो आपको क्लेम करने की ऑप्शन आ जाएगी 7-7 दिन के लिए, वो बंडल है परमानेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल इवेंट, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस अगर आपको ये इवेंट समझ आ गया और इसे कैसे कंप्लीट करना आपको आपको पता चल गया, तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों बाय बाय।